हेलो एवरीवन, आई हैव जस्ट कम केम बैक फ्रॉम ऑफिस एंड स्ट्रेट अवे आई रश्ड टू मेक दिस वीडियो एंड आई हैव द प्लान विद मी एंड आई विल मेक वीडियो ऑन RRBPO मीन्स. बट इफ यू वांट टू लिसन दिस वीडियो इन इंग्लिश यू हैव टू स्किप टू दिस नंबर, राइट? तो अभी बात करेंगे हिंदी में पहले, और हिंदी में हम इसलिए पहले बात करेंगे बिकॉज द मैक्सिमम ऑडियंस हमारी हिंदी वाली है, ठीक है? तो कुछ चीजें हैं जो कि RRBPO मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप शायद स्किप कर जाएं बिकॉज आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है. मेरे को काफी एक्सपीरियंस है, काफी इन द सेंस मैंने 4-5 पेपर क्लियर किए हैं, तो मेरे को पता है कि कैसे प्लान करके आप कैसे एग्जीक्यूट अगर उसको अच्छे से करेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ है, 9-10 चीजें हैं जिनकी हम बात करेंगे, और अगर आप उन चीजों को सीरियसली करते हैं 15 दिन तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं. पहली चीज जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड कभी भी नहीं होती जो मैं बोलता हूँ, वो यही है कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि 15 दिन में पॉसिबल है. अगर आप अपने माइंड, देखो माइंड में पहले जीतना पड़ता है तभी जाके आप ग्राउंड पे जीतोगे. अगर माइंड में जीत रहे हो तो ग्राउंड पे जीतना आसान रहेगा कंपैरेटिवली. तो आपके दिमाग को ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि 15 दिन में पॉसिबल है, ठीक है? तो अब उन 15 दिन में आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं पूरा ही मतलब दुनिया ही बदल दूंगा, नहीं. जितना मैक्सिमम हो सकता है हमें वो करना है, और मैक्सिमम आउटपुट इन 15 दिनों में कैसे लाई जा सकती है उस पर मेरा मेनली फोकस रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहली चीज है वो मैंने यहाँ लिखी है कि नो योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है? तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है. यहाँ पे स्ट्रेंथ पे क्यों खेलना है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट टाइम है आपको 2 घंटे का, और आपको ऐसे नहीं है कि इस सेक्शन में इतना ही टाइम मिलेगा, इसमें इतना ही है. तो आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेंथ जानने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अब आपको प्लान करना है. आपके माइंड में रफ फिगर्स होनी चाहिए कि आपको कितना स्कोर करना है कौन से सब्जेक्ट में. अगर मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है तो मैं ऑब्वियसली रीजनिंग में कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा. ऐसे करके ना आपको सारे सब्जेक्ट्स, आई डोंट नो कि आपका कौन सा स्ट्रांग है, बट आपको पता है नो वन नोज यू बेटर देन यू योर सेल्फ, राइट? तो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और आप अपने जो भी प्लान है ना उसको एग्जीक्यूट करना है. और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि आपने अपनी स्ट्रेंथ जान ली, राइट? सेकंड क्या है, आपके दिमाग में रफ फिगर्स हो. देखो रफ फिगर्स से मेरा मतलब है कि लेट्स से कि आपने लास्ट 3 साल की कट ऑफ देख ली, ठीक है? आप 3 साल की कट ऑफ देखो RRBPO मेंस की. आपने जैसी कट ऑफ देखी, कट ऑफ देख के जो उनका एवरेज आ रहा है ना लास्ट 3 साल का, उससे कम से कम 20-30 नंबर मिनिमम, मतलब 30 मार्क्स ज्यादा के हिसाब से आपका प्लान होना चाहिए. आपको पेपर पे लिख लेना है कि मैं इसमें इतना स्कोर करना चाहिए मुझे और इतना मैं करूंगा, ठीक है? ये सब कुछ, और फिर उसके बाद एक प्लान बनाओ कि वो कैसे आप स्कोर करोगे इतना, ठीक है? वो कैसे स्कोर करोगे उसका एक प्लान बनाओ, जो मैं अभी थोड़ी देर अगले कुछ मिनट्स में आपसे बात करूंगा, वही एक प्लान है, ठीक है? अगर आप उस पर स्टिक रहना चाहते हैं आप रहिए, बाकी आप अपना कस्टमाइज्ड प्लान बनाना चाहते हैं वो बनाइए, या फिर आप किसी और को फॉलो करके उससे मतलब प्लान लेना चाहते हैं तो आप वो प्लान यूज कीजिए. बट आपको क्या है कि आपके प्लान पे स्टिक रहना पड़ेगा. मतलब 15 दिन अगर इसमें ही आपने 3-4 प्लान बदल दिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज फिर करोगे क्या? आपको अपने प्लान पे भरोसा करना ही पड़ेगा, जो आप प्लान बनाओगे आज या कल में, ठीक है? तो उस प्लान पे आप पूरा टिके रहना 15 दिन. वो अच्छा है बुरा है इसको जज करने में मत लगना, ठीक है? जो है वो है, ठीक है? आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा. कई बार क्या होता है कि प्लान अच्छा होता है बट हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए हम उसका एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और लास्ट में हम ये ब्लेम करते हैं कि प्लान ही गलत था, जबकि प्लान गलत नहीं होता है, ठीक है? तो प्लान पे स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद थोड़ा बात करेंगे आप सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है? सब्जेक्ट मैटर क्या है, सबसे पहला 2 चीज है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड. देखो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 40 सवाल आएंगे और 20 नंबर का होगा. अब आप सोचो कि यार एक एक आधे आधे नंबर के तो सवाल हैं, इनके लिए क्या ही कितना करूं मैं. बट देखो
आपको क्या है कि इधर उधर से थोड़े थोड़े मार्क्स लेके टोटल मार्क्स तभी बनते हैं। मतलब अगर सारी टीम परफॉर्म करेगी, टीम कौन है यहाँ पे, जो पांचों सब्जेक्ट है वो टीम है, वो एक एक प्लेयर है, तो आपको इधर उधर से एक एक आधे आधे नंबर के लिए भी लड़ना पड़ेगा, और कहीं से भी अगर आप बटोर पा रहे हो तो उनको बटोरो, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए अब आप बोलोगे कि हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ी, जबकि वो उसमें कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आएगा। अब लोग मुझे पूछते हैं कि बेस्ट सोर्स क्या है, देखो बेस्ट सोर्स तो नहीं है कोई, ठीक है। बेस्ट सोर्स अगर आपको पढ़नी है तो आप अरिहंत की इतनी मोटी बुक पढ़ लो कंप्यूटर की, वो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी मुझे भी पता है। तो आप क्या कर सकते हो, अड्डा ग्रेड अप और ऑली बोर्ड की एक पीडीएफ आती है, ठीक है, वो 30 पेज के आसपास की पीडीएफ होती है, 15 या 20 या 30 की, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो वो पीडीएफ पढ़ो आप, इन तीनों में से एक की पढ़नी है, मेरी पर्सनल फेवरेट ग्रेड अप वाली थी, तो ग्रेड अप वाली पढ़ो चाहे अड्डा वाली पढ़ो आप, इन दोनों में से, या फिर ऑली बोर्ड की पढ़ो, इन तीनों में से एक पीडीएफ पढ़ लेना। और उसके बाद है ना एक लूसेंट की बुक आती है, या फिर या तो वो बुक में से आप एमसीक्यू करो, 400-500 MCQs होंगे उसमें, ठीक है, कंप्यूटर के हर हर टॉपिक से, मतलब 15-20-30 ऐसे करके एमसीक्यूज होंगे, या तो आप वो करो, या फिर आप गूगल पे जाके लिखो कि टॉप 500 क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर एप्टीट्यूड फॉर बैंक एग्जाम्स, फिर देखो क्या निकल रहा है। अगर वो एमसीक्यूज मिल जाते हैं आपको तो आप वो 500-600 MCQs करो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और इन्हीं में से सवाल फंसने हैं, वो कहीं और से नहीं आने, ठीक है। इसमें पेपर बनाने वाला भी ज्यादा मेहनत नहीं करता, और यहीं से कहीं से उठा के आपको रख देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड मुश्किल नहीं आता है, इसलिए आप इसमें स्कोर करने के लिए, मतलब आप अच्छे से मेहनत कर लेना, 2 बार वो पीडीएफ पढ़ लो और 2 बार वो एमसीक्यूज पढ़ लो, बस बहुत है, ठीक है। बट उनको याद रखना, रटना नहीं है, थोड़ा भी अगर एक दो वर्ड चेंज हो गया इधर उधर तो आपका पेपर में गलत मार्क कर सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रखना खास, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस, अब कई बच्चे बोलेंगे कि 6 महीने का पेपर, 6 महीने का ही आता है पेपर में, ठीक है, और हमने तो सर कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो नहीं किया तो क्या हुआ, अब लड़ना तो तुम्हारे हाथ में, लड़ो ना। तो अगर लड़ना कैसे, अब उसके लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा। देखो 3 बार रिवाइज होनी चाहिए, पहली बार पढ़ो, 2 बार रिवाइज। अब कैसे करना है, रोज एक एक महीना खत्म करना पड़ेगा, कल से शुरू करो, एक 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 महीना रोज खत्म करो, और पहले 6 दिन क्या होगा कि 6 महीने खत्म। कहाँ से पढ़ना है, वीडियो में बता रखा है, स्टडी आईक्यू से पढ़ लो, अड्डा से पढ़ लो, करंट अफेयर्स क्लाउड से पढ़ लो, लेकिन पूरा महीना एक दिन में कवर होना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम 3 घंटे लेते हो, 2 घंटे, 4 घंटे, वो तुमने पहले कितनी मेहनत की उस पर डिपेंड करेगा। तो रोज एक एक महीना खत्म करो, उसके बाद जो अगले 6 दिन है, दो दो महीने एक दिन में, ठीक है, क्योंकि अब तो रिवीजन सेशन है। ऐसे करके आपका क्या होगा, पहले 6 दिन में एक एक महीना कवर करोगे, पहला बंच हो गया, फिर 3 दिन में 6 महीने कवर करोगे दूसरा, मतलब वन टाइम रिवीजन, फिर अगले 3 दिन में फिर से दो दो महीने कवर करोगे। ये बेस्ट पॉसिबल वे है कि आप कवर भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। देखो करंट अफेयर्स में अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंट रिविजन्स नहीं हो रही, तो रिटेन नहीं होगा वहां पे, वहां पे यू कैन नॉट रिकॉल, वहां पे रिकॉल नहीं कर पाओगे। बट अगर आप एक दो बार रिवाइज करके जा रहे हैं तो हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम मिलता है तो मैं एक और बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, ग्रेड अप का जो टॉर्नेडो एक कंपाइल्ड पीडीएफ आती है, उसमें क्या होता है कि जो इस पेपर से पेपर को फोकस्ड करके बनाई जाती है, तो वो आरआरबी पीओ मेंस के लिए आपको आ गई होगी या फिर एक दो दिन में आ जाएगी, तो वो भी लास्ट के मतलब 3 दिन में एक दो बार वो भी पढ़ लेना अगर टाइम है तो, नहीं है तो ये रिवाइज करो और भरोसा रखो कि हाँ यार मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ और मैं कर जाऊंगा। और जो मॉक के सवाल है उनको भी कर लेना जनरल अवेयरनेस वाले, तो जनरल अवेयरनेस का यही है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी क्या है, ये है लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ अभी हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हिंदी आती है, आई कैसे है, पढ़ते लिखते आ जाती है। तो इसके लिए बेस्ट चीज है कि आप रीडिंग जरूर करो रोज, आधा घंटा या फिर 20-25 मिनट रीडिंग करो, जो भी आपका इंग्लिश या हिंदी है। हिंदी वो लोग जो कि वैसे तो इंग्लिश पढ़ते थे लेकिन अब पेपर दे रहे हिंदी,
क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर उन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया है तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी हिंदी, मतलब आधा पौना घंटा। और इसके जो सेक्शनल टेस्ट अगर कहीं से मिलते हैं तो वो करो, नहीं तो पीडीएफ बहुत मिल जाती है, बस आप लिखने की देर है आपकी। गूगल पे जाओ, लिखो कि हिंदी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहिए मुझे, निबंध, निबंध नहीं क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहिए तुम्हें। ठीक है, अपठित गद्यांश या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो वो आप करिए। रीडिंग मस्ट है और प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, तो अगर 1 डेढ़ 2 घंटा आप इंग्लिश या हिंदी पे रोज लगा रहे हैं तो हो जाएगा, भरोसा रखिए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या चीज है, यहां पे मैंने अगली चीज ये लिखी है कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें एक चीज तो मैं ये बोलूंगा कि वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। अगर आपको मॉक में कुछ बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीजें मिल रही है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, उस पे मतलब कि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक दो बार समझो, नहीं समझ आ रही छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वहां भी नहीं होगा तुमसे वो इतना मुश्किल वाला जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं अनडूएबल क्वेश्चंस कह रहा हूँ, जो मतलब कि जो एग्जामिनर है वो भी एक्सपेक्ट करता है कि आप वो पेपर, मतलब पेपर में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, वो सिलेक्टिव अप्रोच देखना चाहता है आपकी। तो अगर आप वो चीज को स्किप कर रहे हैं तो आप मतलब कि ऑन द राइट ट्रैक है, क्योंकि जो स्किप करना चाहिए वो आप स्किप कर रहे हैं, जो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यू आर ऑन द वेरी वेरी राइट ट्रैक। ठीक है, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन वेरी वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस। और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मेनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये है कि जो मॉक आप कर रहे हो वो तो आपको सारे सवाल करने हैं, उसके अलावा कहीं से डीआई प्रैक्टिस करो आप, चाहे कोई और मॉक्स उठा लो या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। मेमोरी बेस्ड ही आते हैं, एग्जैक्ट तो आते नहीं है बैंकिंग के। ठीक है, और या फिर आप वही गूगल पे जाओ, लिखो कि डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर मेंस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, बस इतना लिख दो, आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। वहां से सवाल सॉल्व करो, डीआई पे स्पेशल फोकस रखना। और डीआई को स्पेशल फोकस रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो परसेंटेजेस और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और जो ये टेबल्स हैं, परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन है, इन पे भी आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा फोकस करना है। इनको हो सके तो रोज उठ के इनको लिख लो पहले। मैं लिखता था, बहुत लिखता था, मैं टेबल्स लिखता था, स्केल्स लिखता था, क्यूब्स लिखता था और परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखता था। उठते मेरा दिन ही ऐसे शुरू होता था। ठीक है, इसलिए फिर मेरे को ना एग्जाम टाइम में अगर मैं माइंड में थोड़ा सी टेंशन में भी हूं तो भी मेरा माइंड चलता था और मैं तुरंत कैलकुलेशन कर देता था। राइट, ठीक है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है। कैलकुलेशन पे फोकस ऐसे ही होगा। और कभी इधर उधर आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे बैठे हैं कोई कुछ नहीं करने को है, तो आप दिमाग में 2 डिजिट के 2 नंबर सोचिए और उनको माइंड में कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपकी कैलकुलेशन पे बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना आप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 2 चीजें बोलिए, एक तो मॉक्स मॉक्स के सारे सवाल अच्छे से करना और डेटा इंटरप्रिटेशन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना। डेटा इंटरप्रिटेशन भी हर तरीके की करनी है, कि आपने बार ग्राफ कर लिया, लाइन ग्राफ कर लिया, 2 कंबाइंड ग्राफ्स कर लिए, या फिर उसके बाद थोड़ी अरिथमेटिक बेस्ड डीआई कर ली, 1-2 केसलेट कर लिए। तो दिन में मतलब 2-2.5 घंटे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ कीजिए प्रैक्टिस। ठीक है, और रीजनिंग, रीजनिंग में भी यही है। रीजनिंग में देखो, अगर मैं आपको जेन्युइन सलाह दूं, ठीक है, जेन्युइन सलाह, जेन्युइन जेन्युइन एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आपको जो जो मिसलिनियस सवाल है ना सर, मिसलिनियस सवाल को आपको सबसे ज्यादा अटैक करना है। मिसलिनियस सवाल थोड़ा सा घुमा के देगा, ठीक है, आपको प्लस माइनस की जगह अगर वो हुकुम और चिड़ी बना के दे देता है ताश वाली, तो उससे कुछ सवाल तो चेंज होगा नहीं, कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और अगर थोड़ा सा भी चेंज करके दे रहा है तो सवाल आसान होगा, ये बात याद रखना मेरी। कुछ भी न्यू वो आपको दिखाएगा तो वो उसका लेवल ज्यादा नहीं होगा, बस वो आपका चेक कर रहा है कि आप ऐसे सवाल को देख के घबरा तो नहीं रहे हैं।
तो रीजनिंग में सबसे पहले मैं तो मिसलिनियस सवाल करता था और थोड़े तेज करने की कोशिश करता था कि यार रीजनिंग के, फिर मैं पजल्स भी, जो सारी पजल्स हैं उनमें से मेरे को पता लग जाता था कि यार ये पजल मेरे से हो सकती है या नहीं। तो मैं मॉक्स में भी वैसे ही करता था, बट जैसे ही आप रीजनिंग का मॉक खत्म करो, मतलब ये पूरा मॉक खत्म कर दिया आपने, तो उसके बाद जो पजल्स आप एक्चुअल मॉक में नहीं कर पाए, उन पजल्स पे भी एक बार थोड़ा सा काम कर लेना, ठीक है? उन पजल्स को एक बार सॉल्व करो, अगर आधा पौने घंटे में भी नहीं सॉल्व हो रही तो छोड़ो और निकलो, ठीक है? मतलब आपको यू हैव टू बी फैमिलियर विद, और उसके बाद एक दो तीन पजल्स है ना प्री लेवल की भी सॉल्व कर लेना डेली। उससे क्या होगा कि आपके जो बेसिक्स हैं वो सही रहेंगे, मतलब वहां पे आपको अगर पजल आएगी तो आप डरोगे नहीं और कर दोगे। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने तो मतलब ज्यादातर मिसलिनियस सवाल किए थे और लास्ट में शायद दो पजल मैंने अटेम्प्ट कर ली थी, ठीक है? तो मेरा हो गया था RRB पीओ नहीं, IBPS पीओ, ठीक है? तो रीजनिंग में भी यही है कि रीजनिंग में आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और RRB पीओ मेंस में मैं ज्यादा मुश्किल रीजनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसमें नंबर बना सकते हैं। रीजनिंग में क्या क्या करना है, मॉक्स, एक्स्ट्रा एक दो रीजनिंग की पजल्स, और डरना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरना है। डायरेक्शन सेंस को अगर वो किसी और तरीके से दे देता है तो बिल्कुल मत डरो। अगर एक बंदे की जगह वो तीन बंदों को चला के कहीं पहुंचा रहा है और कुछ और डिस्टेंस निकलवा रहा है, तो एंगल निकलवा रहा है, तो डरो मत। जो बेसिक्स है उन पर स्टिक रहो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, ठीक है? ये है। इसके बाद मैं बात करूंगा मॉक्स की, ठीक है? देखो कम से कम 7-8 मॉक्स जरूर देने हैं, कोशिश कीजिए 10 दे दो। अब कैसे देने हैं, पहले हफ्ते में आप एक एक दिन छोड़ के दो, ठीक है? पहले 6 दिन, फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे एंड सेवंथ डे, या फिर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ डे दे दिए 3 मॉक, सेवंथ डे, एट्थ डे, नाइन्थ डे, 10th डे, यहां तक आपके 7 मॉक हो गए पहले 10 दिन में, ठीक है? उसके बाद एक दो दिन, एक या दो दिन छोड़ के एक मॉक और दो, और फिर रिलैक्स करो। लास्ट के 2 दिन में कुछ नहीं देना मॉक, जो पहले किया है उसको लाइट लाइट रिवाइज करना, ठीक है? तो किसी ने कहा है कि द बेस्ट थिंग बिफोर ए टेस्ट इज रेस्ट, ठीक है? पता नहीं किसने कहा बट मैं तो अपने आप को ये कहता हूं। तो आप लास्ट के 2 दिनों में कोई टेंशन नहीं लेनी, क्या करना है प्रोसेस पे फोकस करना है। इन 15 दिनों में अगर आपने अच्छे से प्रोसेस पे फोकस किया तो रिजल्ट तो दिखवाएंगे। रिजल्ट्स कुछ ऐसी चीज नहीं है कि अपने आप आते हैं या फिर आपके ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से आएंगे, नहीं, कुछ नहीं है। प्रोसेस फॉलो करो, सिंपल रखो चीजों को, मिल जाएगी जो चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट चीज लास्ट में मैं बोलूंगा कि 15 दिनों में जितनी भी तैयारी कर सको करो, और अपने आप पे ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, बट अपने आप को फोकस रखो, प्रोसेस पे फोकस रखो, और नेगेटिव थॉट्स मत आने देना। देखो 15 दिन है, कम लगते हैं, बट अगर करो तो हो सकता है, और अगर करोगे तो जरूर होगा। और नेगेटिव थॉट्स जैसे ही हैं उनको फ्लिप करो, फ्लिप करो मतलब कि उनको एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करो। अगर आपका मन कह रहा नहीं यार बहुत तगड़े तगड़े बंदे हैं मेरे से तो नहीं होना, तो उसको बोलना नहीं यार मैं कौन सा अलग हूं, मैंने भी तो प्री क्लियर किया है, सब ये प्री क्लियर करके जा रहे हैं, तो आई वॉज कैपेबल इनफ, मैं योग्य था इसलिए मैंने क्लियर किया है, कोई तुक्का तो लगता नहीं है उधर इतने लोगों में, ठीक है? तो ऐसे ही मैं मेंस भी क्लियर करूंगा, और मैं जरूर करूंगा क्योंकि मैंने मेहनत की है, और उस टाइम आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। कभी भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आए तो थोड़ी देर शांत कर लो अपने मन को, थोड़ी देर किताब बंद करके बाहर निकलो ताजा हवा में, और अपने आप को बताओ कि यार आप कर सकते हो, और डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो तो दुनिया में चीजें मिलने के लिए ज्यादा, मतलब आपको फोकस रह के थोड़ी अच्छे से मेहनत कर लोगे ना और अपने पे भरोसा रखोगे तो चीजें आपको आसान लगने लगेगी और आप कर लोगे चीजों को, ठीक है? तो मैं बस आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा, यही स्ट्रेटेजी है। एक बार आप जो मैंने बोला है उसको
जरूर प्लान करना कॉपी पे और उसको एग्जीक्यूट करना, और कोई डाउट वाउट हो तो इस वीडियो में पूछ लेना, ठीक है? तो इंग्लिश में भी चलो कर लेते हैं ये बातें, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन इंग्लिश नाउ. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स इन हिंदी एंड नाउ आई टॉक द सेम सेम थिंग्स इन इंग्लिश एज वेल, एंड आई वुड नॉट इलेबोरेट इट दैट मच बिकॉज द वीडियो विल बी वेरी वेरी लॉन्ग. सो आई ट्राई टू कीप इट क्रिस्प, स्वीट, शॉर्ट एंड सिंपल, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो यू यू कैन सेव योर टाइम एक्चुअली, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. आई हैव ऑलवेज स्टार्टेड विद समथिंग वेरी पॉजिटिव, लाइक फर्स्ट थिंग हियर आई हैव रिटन इज दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, अदरवाइज द थिंग्स वुड बी वेरी वेरी टफ फॉर यू. यू हैव टू बिलीव दैट इट इज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 15 days, एंड यू आर द वन हु हैव क्लियर द प्रिलिम्स एंड यू आर नो लेस देन एनी वन, राइट? एंड एवरी वन हैज द सेम टाइम एंड इट इज पॉसिबल इन दीज 15 days इफ यू फॉलो, इफ यू मेक अ प्लान एंड यू स्टिक टू दैट प्लान. यू डू नॉट हैव टू चेंज योर प्लान्स एवरी नाउ एंड देन. लाइक यू हैव 15 days, इफ यू हैव चेंज प्लान फॉर फोर टाइम्स, देन हाउ वुड यू डू इट? हाउ वुड यू डू इट? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट देन. सो इवन इफ योर प्लान इज नॉट परफेक्ट, इवन इफ वॉट आई एम सेइंग इज नॉट परफेक्ट, यू हैव टू बिलीव इन दोज वर्ड्स एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान सो दैट यू कैन गिव योर सेल्फ द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिलीव दैट इट इज पॉसिबल एंड देर शुड बी नो अदर थॉट देन दिस. नो नेगेटिव थॉट शुड एंटर योर माइंड, इवन इफ इट इज एंटरिंग, गेट इट एग्जिट बाय नो इन नो टाइम, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज नो योर स्ट्रेंथ. सो इन दिस एग्जाम यू हैव टू प्लान, लाइक यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ फर्स्ट. हाउ वुड यू नो योर स्ट्रेंथ? आई नो माई स्ट्रेंथ, यू वुड नो योर स्ट्रेंथ बिकॉज नो वन नोज यू बेटर देन योर सेल्फ. सो नो योर स्ट्रेंथ दैट दीज आर योर स्ट्रेंथ्स एंड राइट सम रफ फिगर्स इन योर माइंड एंड ऑन द पेपर. रफ फिगर्स, हाउ वुड यू राइट सम रफ फिगर्स एंड वट रफ फिगर्स आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड मार्क्स यू आर टेलिंग योर सेल्फ दैट यू विल स्कोर दीज मेनी मार्क्स इन दीज 4 subjects और इन दीज 5 subjects. सो लाइक इन रीजनिंग 50 marks, तो आउट ऑफ 50 हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ, राइट? सो हाउ वुड यू मेक दीज रफ फिगर्स एंड वट वट शुड बी योर टारगेट? सी आई वुड एडवाइज यू दैट प्लीज गो एंड लुक एट द लास्ट 3 years कट ऑफ फॉर RRB PO मेन्स. जस्ट टेक द एवरेज ऑफ दोज 3 एंड एड 30 marks. यू शुड प्लान फॉर दोज मेनी मार्क्स. लाइक इफ द एवरेज इज 90, यू शुड प्लान फॉर 120 एटलीस्ट. हाउ यू वुड स्कोर 120? यू शुड राइट हाउ वुड यू डिवाइड इन दीज 5 subjects. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव सम रफ फिगर्स इन योर माइंड एंड यू हैव टू गो आफ्टर अचीविंग दोज फिगर्स इन एवरी मॉक, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. इन कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 questions विल बी देयर एंड 20 marks, राइट? हाफ क्वेश्चन पर, हाफ मार्क पर क्वेश्चन, राइट? सो इन यू डू नॉट हैव टू टेक इट लाइटली एंड यू डू नॉट हैव टू फियर फ्रॉम इट, राइट? दे कैनॉट बी एनी टफ क्वेश्चन इन कंप्यूटर एप्टीट्यूड इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ इट. सो वट वुड बी योर प्लानिंग स्ट्रैटेजी, योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर कंप्यूटर एप्टीट्यूड? सी यू कैनॉट रीड द होल बुक ऑफ अरिहंत. दैट बुक हैज 200 kind of pages, सो यू डू नॉट हैव टू रीड दैट. जस्ट पिक वन ऑफ दीज थ्री पीडीएफ्स. What are those three PDFs? Adda 247, Grade Up, and Olive Board.
So in out of these three PDFs, you have to read one PDF. Just read one PDF. That PDF would be of like 20, 30 pages only. Read one PDF, read that PDF twice, and then either use the Lucent MCQs of computer aptitude, or you can find some PDF on Telegram, or you can say on Google. Otherwise, just search top 500 questions or top 1000 questions of computer aptitude for banking exams, and you will get some PDF or some a web page, and you have to do those MCQs like twice. Twice that PDF and twice that MCQs. So if you can do this, I can assure you that you will score good in this computer aptitude, and do not take it lightly, right? And be fearless, very, very fearless always. And second is general awareness. So in general awareness, you know that it can be your make or break section. So if you are someone who is good at general awareness, please make sure that you are revising it at least 3 times before you are going to the exam, right? Now you would say, how would I revise general awareness thrice in these 15 days? So I have a strategy, and I used to use this strategy when I was preparing. So I would like to share it with you. So in the first 6 days, you have to cover 1 month per day, right? You have to cover 1 month per day. I do not know how much time you will take, but you have to do it, right? There is no other way of doing it. So for the first 6 days, do cover 1 month per day, and then the next 3 days, do cover 2 months per day, and then the next 3 days, 2 months per day, right? The same 2 months, right? So by this way, you will be able to cover general awareness once, and then 2 times revision. So by this way, I would say that do 3 times revise, and do all the mock questions very, very seriously, because when they make mocks, they do research a lot about the expected questions, right? And examiner will definitely, you will get a lot of questions from mocks and the revisions that you have done, right, in the exam. Next thing is English or Hindi. Whatever language you have chosen, I am talking it in English, so I can assume that you all have selected the English language for yourself. So it is a language, and the language can only be improved by reading, right? So make sure that you are keeping yourself intact with reading. At least read for half an hour or 40 minutes every day, so that your mind will remain stable in the exam hall, and you just read everything with your mind open, and you can focus actually. 30, 40 minutes of reading plus around 1 hour for the grammar questions from here and there, some quizzes or some old mocks, and the mocks that you are giving for RRBPO mains, enough for English, right? So plan according to your strength, that how much you can score in English. Like out of 40, I would advise you to at least score 30, 32 marks in English, right? So that's it. And next is reasoning and quantitative aptitude. So quantitative aptitude and reasoning. So for quantitative aptitude, what you have to do is just two things. First is that do all the questions from the mock very, very seriously. Second is that focus more on DI. See, you have to find different mains level questions, either from old mocks or from previous year exam memory based papers, or from Google itself. Just write over there that you need a best mains level questions for best mains level data interpretation questions for banking exams, right? Mains, right? So you will get a lot of questions, and you have to do data interpretation apart from the mocks as well. So do focus on data interpretation, and also
make sure that you are good at percentages and ratio and proportion. Plus, you have to keep these things like square, cubes, tables, and fraction to percentages on your tips. If these things are on your tips, you will feel the difference in the exam, and your mind will remain stable, and you will see that you are someone who is faster than others in calculation at least. So these things are enough for quantitative aptitude. And for reasoning, make sure that you are focusing more on the miscellaneous question, even if you are good at puzzles, right? So make sure that you are focusing more on miscellaneous questions, and you are doing miscellaneous questions very, very fast in the exam and in the mocks. And do not fear if they change something. If something new comes at you, do not fear from it. Just keep yourself calm and look at it with sticking yourself to basics. Like if someone changes a plus with spade or club or anything, hearts, so do not fear if they are changing it like that. The basics will remain same, just the symbolic representations have been changed. And do not expect that if they are changing it, then they will give you the difficult questions. It is actually opposite. If they are throwing something new at you, then they will definitely give you relaxation on the level part. So they will not give you the tough level if they are throwing something new at you, because this is just new for you. So they just want to know that can you keep yourself calm and stick to the basics. So that is all banking about, right? So for reasoning, miscellaneous question, and then focus on the puzzles. Solve all the questions of mock again, at least the questions that you have not solved, and do solve 2-3 pre-level puzzles as well every day, so that you can stick to the basics and you do not get scared when you see some puzzles or a lot of puzzles in the mains exam. So do keep yourself intact with it, right? And the next point is that do not waste time on the very high level questions. See, I do not expect RRB PO mains to be very tough. It would be above average, but not that tough. So if you are stuck at something in the mocks, like for a long time, do not waste too much time on your very high level questions, right? So last thing I would say is that, sorry, I have skipped the mock part. So you have to at least give 8 to 10 mocks. So for the first 5 days, just give 3 mocks, and then the next 5 days give around 4 mocks, right? So by this way you will get around 7-8 mocks in the stipulated time. And also make sure that you do not do anything in the last 2 days, you know, do not do anything heavy in the last 2 days, and just keep yourself positive, keep yourself motivated, focus on the process, and results will happen to you. So keep your head high, and all the very best to all of you. All the best.